subscribe to my YouTube channel for a range of fun content, and hit the bell icon so you never miss an update. दोस्तों आपको पता होगा कि विश्व क्रिकेट के सबसे फेमस खिलाड़ी आज के जमाने में विराट कोहली है। वही विराट कोहली जो टेस्ट, वनडे और T20 फॉर्मेट्स में नंबर वन बैट्समैन रह चुके हैं, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में कई रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं और जिनके तस्वीर दुनिया भर के वेबसाइट्स, मैगजीन्स और न्यूज चैनल्स पे दिखाई देते हैं। ही इज विदाउट अ डाउट द मोस्ट विजिबल इंटरनेशनल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड और उनके सोशल मीडिया पेजेस दुनिया के टॉप स्पोर्ट्स पर्सन में से गिना जाता है, एज वेल एज ब्रांड वैल्यू। उनके फैंस अनगिनत हैं और जो भी विराट कोहली करते हैं या कहते हैं वो हेडलाइंस बन जाती है। कोहली का चेहरा इतने सारे मैगजीन कवर्स पे आया है पिछले 10 सालों से कि पूछो ही मत। मैगजीन बेचने वालों को पता है कि उनकी वैल्यू इतनी है कवर पे कि छापने से कई ज्यादा कॉपीज बिकेंगी। जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स, बिकॉज विराट कोहली इज क्रिकेट्स बिगेस्ट स्टार। मगर क्या आपको पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान की पहली मैगजीन इंटरव्यू किसने ली थी? मैंने, दोस्तों। जी हां, 2010 में, 10 साल पहले, विराट कोहली की पहली मैगजीन कवर ऑल स्पोर्ट्स मैगजीन के लिए थी और मैं उस वक्त उस मैगजीन का असिस्टेंट एडिटर था। यह उस समय की बात है जब विराट कोहली वनडे टीम में वापस आए थे और 2 शतक लगा चुके थे। इनकी चर्चा काफी हो रही थी एज ए फिनोमिनली टैलेंटेड बैट्समैन, पर इसके साथ उनकी ऑफ द फील्ड एटीट्यूड और लाइफस्टाइल के बारे में बहुत स्पेक्यूलेशन और क्रिटिसिज्म थी। तो वी एट ऑल स्पोर्ट्स मैगजीन्स डिसाइडेड टू डू अ कवर फीचर ऑन कोहली एंड रोहित शर्मा, जिनके बारे में सिमिलर व्यूज थे पब्लिक, क्रिकेट सर्कल्स और मीडिया में। मेरे एडिटर ने मुझसे कहा कि दोनों विराट और रोहित को पकड़ लो। तो कुछ कॉल्स और मैसेजेस के बाद दोनों के एजेंट से कॉन्टैक्ट हुआ और डेट्स लॉक हो गए। रोहित बॉम्बे में थे जहां हमारा ऑफिस था और विराट दिल्ली में। तय हुआ कि विराट के साथ इंटरव्यू 10 स्पोर्ट्स, जो कि ऑल स्पोर्ट्स मैगजीन के ओनर्स थे, उनके नोएडा वाले ऑफिस में होगा। तो मैंने एक दिन के लिए फ्लाइट लेके वहां गया। ये जुलाई 2010 की बात है, एग्जैक्टली 10 ईयर्स अगो। विराट थोड़े लेट थे उस दिन और जब आए तो अकेले अपने ब्लैक होंडा अकॉर्ड में थे और उनकी अपनी एजेंट अपनी गाड़ी में। विराट एक ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहन के आए और जी के फ्रंट गेट से लेके इंटरव्यू रूम तक उन्हें लोग देख रहे थे। नेचुरल था, जबकि आज की विराट कोहली वो बिल्कुल नहीं थे। विराट आए, मुझसे मिले, लेट होने के लिए सॉरी कहा और पूछा कि यार करना क्या है, क्योंकि ये उनकी पहली मैगजीन कवर स्टोरी थी। मैंने कहा स्ट्रेस मत लो, नेचुरल रहो और पहले हम तुम्हारी फोटोशूट करते हैं। इस बीच जी हॉस्पिटैलिटी वालों ने पूछा कि क्या विराट कुछ लेंगे। उन्होंने कहा हाँ, KFC का बर्गर और फ्राइज, बट नो कोल्ड ड्रिंक, नो सॉफ्ट ड्रिंक, सिर्फ पानी। ऑर्डर हो गया, विराट फोटोशूट के लिए रेडी हुए और मेरा फोटोग्राफर सप्त ऋषि उन्हें रिलैक्स करके तस्वीरें खींचने लगे। विराट थोड़े से ऑकवर्ड थे कुछ पल के लिए, मगर फिर वो जल्दी जोन में आए और अच्छी तस्वीरें निकली। सप्त ऋषि जब खुश हुआ फोटो से तो उसने कहा कि वी आर डन, थैंक्स विराट। और फिर मैं और विराट सोफे पे बैठ गए इंटरव्यू के लिए। सवाल जवाब शुरू हुआ और विराट ने हर सवाल का एक मेजर्ड जवाब दिया। कहीं झिझक नहीं थी, कोई भी क्वेश्चन से वो भागे नहीं और उन्होंने ऑनेस्टली मुझसे बात किया इंटरव्यू के दौरान। मुझे दो जवाब याद है उनके। पहला, जब मैंने पूछा कि अंडर 19 वर्ल्ड कप की जीत के बाद उनके और उनकी टीममेट्स ने रातों रात इतनी शोहरत और पैसे हासिल किया कि लोगों को लगा कि ये रास्ते से भटक जाएंगे, विराट जो कि 22 साल के थे उस समय, उन्होंने जवाब दिया कि लोगों को यह भी समझना चाहिए कि जो भी क्रिकेटर्स हासिल करते हैं, फेम, पैसे, कॉन्ट्रैक्ट्स, वो उनके क्रिकेट काबिलियत के बेसिस पे होता है और जैसे ही रन्स और विकेट्स कम हो जाएंगे उतनी तेजी से सारी फेम और पैसे भी खत्म होंगे। तो पैसे के पीछे भागना गलत नहीं है, पर हर क्रिकेटर का एक लक्ष्य होना जरूरी है, क्योंकि आपको सबसे दूर आपकी क्रिकेट ले जाएगा, आपके एंडोर्समेंट्स नहीं। दूसरा जवाब विराट का जो मुझे क्लियरली याद है, इट वॉज टू अ क्वेश्चन अबाउट वेदर ही वॉज रेडी टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। उनका जवाब फट से आया, नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे वनडे क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट, 4-day क्रिकेट ज़्यादा खेलना है ताकि मैं अपने आप को बेहतर करूँ, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट है। अगर आप रेडी नहीं हो और वहां पहुंच के आप फेल हो गए
क्योंकि आप टेक्निकली और मेंटली तैयार नहीं है तो दोबारा खेलने के मौके बहुत कम होते हैं। अभी मेरी मैच्योरिटी इतनी नहीं है एज एन इंटरनेशनल बैट्समैन, तो काफ़ी काम करना बाकी है। मुझे विराट की ये मैच्योरिटी और क्लैरिटी ऑफ थॉट पसंद आया। उस इंटरव्यू में हमने कुछ 30-40 मिनट तक बात की और फिर वो चले गए। वापस बॉम्बे जाके मैंने फिर रोहित का इंटरव्यू लिया और अगले महीने वो कवर स्टोरी छपी। दोनों विराट और रोहित ने मुझे थैंक्स कहा बाद में उन्हें अपनी पहली फ्रंट पेज मैगजीन फीचर देने के लिए। फिर दोस्तों 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता और मुझे GQ मैगजीन से कॉल आया कि हमें धोनी या तेंदुलकर चाहिए कवर पे। मैंने कहा ये तो नामुमकिन होगा मेरे लिए, पर क्यों ना विराट से बात करें, क्योंकि वो भी इस जीत में शामिल थे और वही नेक्स्ट सुपरस्टार हैं विश्व क्रिकेट के। तो फिर मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट किया और इंटरव्यू सेटअप हुआ बॉम्बे के ताज होटल में, गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने। अब दोस्तों फर्क देखो, कुछ 10 महीने में विराट कोहली वर्ल्ड कप जीते थे, IPL स्टार थे, काफ़ी एड्स करने लगे और कुछ और मैगजीन कवर्स पे आए थे। और इस बार हमारा इंटरव्यू एक 5-स्टार होटल में था, एक टॉप ग्लैमर मैगजीन के लिए। उनके लिए डिज़ाइनर सूट्स रेडी थे, मेकअप असिस्टेंट्स थे, सपना भवनानी उनके बाल सेट कर रही थी, देश का एक टॉप फैशन फोटोग्राफर उनकी तस्वीरें ले रहा था और विराट के बगल में खूबसूरत फॉरेन मॉडल्स थी। फोटोशूट के बाद हम विराट के रूम में गए और उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही कॉन्फिडेंट थी एज कम्पेयर टू द 22-year-old आई हैड इंटरव्यूड इन नोएडा इन 2010। जवाब अभी भी ऑनेस्ट थे विराट के अपने गेम को लेके, अपनी मैच्योरिटी को लेके, वर्ल्ड कप को लेके, क्रिटिसिज्म और सक्सेस को लेके। पर इस बार एक बहुत ही कॉन्फिडेंट विराट मेरे सामने बैठा था। देयर वाज अ डेफिनेट चेंज। अब दोस्तों आजकल विराट कोहली की इंटरव्यू हासिल करना समझो हिमालय से अमृत खोजने जैसा है। वो क्रिकेट के बारे में बात नहीं करते और अगर आप सक्सेसफुल हुए उनसे 10 मिनट निकालने में तो आप उनसे सिर्फ नॉन क्रिकेट सवाल पूछ सकते हैं। ये उनका टेम्पलेट है मीडिया से डील करने के लिए और हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट टू हैव हैड दोज टू क्लोज डोर इंटरेक्शंस विद विराट कोहली इन 2010 एंड 2011, क्योंकि उस वक्त बात करने से मुझे इनसाइट मिली कि विराट कोहली सोचते कैसे हैं। दोस्तों अगर आपने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी इसी वक्त करिए और ज़रूर नोटिफिकेशन बटन क्लिक करिए ताकि आपको मेरे यूनिक कंटेंट की जानकारी मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। जय हिंद।